महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इसके चलते राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे एनसीपी के विधायक बाबा जानी दुर्रानी से मिलने उनके घर पहुंचे। विधान परिषद के सदस्य और अजीत पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबा जानी दुर्रानी के पाथरी स्थित आवास पर जयंत पाटिल की मुलाकात से अटकलें तेज हो गई है कि बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। बाबा जानी दुर्रानी वर्तमान में अजीत पवार गुट के परभनी जिला अध्यक्ष हैं और उनका विधान परिषद का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है। जयंत पाटिल के साथ उनकी यह मुलाकात बंद कमरे में हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इसके चलते राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे एनसीपी के विधायक बाबा जानी दुर्रानी से मिलने उनके घर पहुंचे। विधान परिषद के सदस्य और अजीत पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबा जानी दुर्रानी के पाथरी स्थित आवास पर जयंत पाटिल की मुलाकात से अटकलें तेज हो गई है कि बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। बाबा जानी दुर्रानी वर्तमान में अजीत पवार गुट के परभनी जिला अध्यक्ष हैं और उनका विधान परिषद का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है। जयंत पाटिल के साथ उनकी यह मुलाकात बंद कमरे में हुई।